इंट्यूबेशन इन हॉर्स, यह एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें ट्यूब के माध्यम से घोड़ों को दवाई पिलाई जाती है। यह केवल वैट्स जो होते हैं उनके द्वारा की जाती है और एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसके बारे में आपको मैं विस्तृत बताने जा रहा हूँ। यह ट्यूब घोड़े में इसलिए डाली जाती है कि घोड़े को सामान्य दूसरे पशु की तरह हम दवाई नहीं पिला सकते हैं। अगर हमने कभी गलती से दवाई पिला दी दूसरे पशु की तरह तो उसको ड्रेंचिंग न्यूमोनिया, फेफड़ों में दवाई सीधे जाती है, ये घोड़े में होता है की वजह से कई घोड़ों की जान जा चुकी है। क्योंकि लोग को लगता है कि घोड़े को दवाई देना है तो पिला दो जानवर जैसा, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। और कोई भी जो है घोड़े वाले हैं हॉर्स वाले हैं अपने घोड़ों को दवाई नहीं पिलाएं डायरेक्ट, उसको वैट्स के द्वारा ही इंट्यूबेशन कर दवाई दी जाए जिससे ड्रेंचिंग ट्यूमर से बचा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्यूब है एक विशेष प्रकार की ट्यूब होती है जो मार्केट में मिलती हैं, अवेलेबल हैं और एक्सपर्ट होती है, इंडिया में तो नहीं बनती है, फॉरेन से आती है, उनकी कुछ प्राइस होती है, 5,000 के लगभग ट्यूब आती है। ये ट्यूब होना जरूरी है और इस ट्यूब को जो डालता है या वेटनरी सर्जन होता है उसको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको प्रॉपर आना चाहिए तो ही ये ट्यूब डाल सकता है। इस ट्यूब के माध्यम से हम घोड़ों को दवाई देते हैं। इस ट्यूब को डालने के तरीके होते हैं, उसमें हम जो पहला तरीका होता है, जैसे ही हॉर्स को एक वी शेप जो होता है, वी शेप आकार में खड़ा करना होता है, जो उसका हेड होता है और नेक होती है उसमें एक वी टाइप का शेप बनाओ और हॉर्स को स्टैंड करें। उसके बाद जो ट्यूब होती है उसमें हम पैराफिन लगवाएं ताकि उसको इरिटेशन नहीं हो, और उसके साथ जो लिग्नोकेन जेली होती है वो भी लगाएं। स्टैंडिंग पोजिशन में कंट्रोल होने के बाद में घोड़े में ट्रेकियल रीजन तक मेजरमेंट लेते हैं कि ट्यूब कहाँ तक बचेगी, तो ट्रेकियल रीजन तक चले जाएगी। जब इंसर्ट करते हैं तो ट्रेकियल जो रीजन होता है जहाँ एसोफेगस है वहाँ तक ले जाके कुछ समय के लिए रुकना रहता है, और जैसे ही हॉर्स इनगल्फ करे खाने की कोशिश करे तो उस समय उस ट्यूब को फोर्स से पास कर दी जाती है। अब जैसे हम फोर्स पास करते हैं तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, वो रेजिस्टेंस एसोफेगस का होता है, एसोफेगल रेजिस्टेंट होता है, उसमें कि ट्यूब एकदम से नहीं चली जाती। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता वहाँ पे आपको पास करते समय तो वो ट्यूब ट्रेकिया में है, मतलब वो फॉल्ट है। एक रेजिस्टेंस मिला आपको और रेजिस्टेंस से ट्यूब जाएगी एसोफेगस में तो आपको वहाँ पे आउटसाइड से आपको बिल्कुल थोड़ा सा स्किन पे दिखेगा कि एसोफेगस से होके जा रहे हैं स्टोमक में, वो बाहर साइड से भी आप देख सकते हैं आउटसाइड से। लेफ्ट ज्यादातर जो है हॉर्स के राइट साइड में दिखती है, लेफ्ट साइड में भी दिखती है, अगर आपको नहीं दिखे तो वहां पे थोड़ा सा जो एसोफेगल रीजन है आउटसाइड वहां पे पानी लगा दें, उससे क्लियर दिखती है जाते हुए। अगर आपने ये देख लिया कि क्लियर ये आउटसाइड से ही दिख रहे हैं कि ये एसोफेगस होते हुए जा रहे हैं तो ये कन्फर्म है। फिर भी जैसे वो स्टोमक पर पहुंचती है तो आपको दो टेस्ट करने हैं, एक वाटर टेस्ट बोलते हैं, जो ट्यूब को वाटर में डालेंगे तो उसमें बबल्स आ गए या एयर आ रहे हैं, मतलब बबल्स आ रहे हैं तो वो कहाँ नहीं, ये स्टोमक में नहीं है, वो लंग्स में चले गई हैं। और दूसरा जो अगर बबल्स नहीं आ रहे तो वो स्टोमक में। सेकंड जो टेस्ट होता है वो ब्लोइंग टेस्ट होता है। ये दो टेस्ट करने के बाद में कंफर्मेशन हो जाता है कि ये आपकी ट्यूब स्टोमक में ही है। दूसरा है कि जब ट्यूब डली है उस समय कफिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही बिल्कुल, है ना, उसमें जो एक इंटेस्टाइन मूवमेंट है या फिर जो रुमन की जो साउंड होती है वो भी मिलती है, तो अगर ये होता आपका कंफर्मेशन है। लेकिन मोस्ट जो कंफर्मेशन पॉइंट्स होता है वो आप साइड में जो है नेक के साइड में जहाँ से एसोफेगस गुजरता है, उस एसोफेगस जैसे ही ट्यूब इंटर करती है तो बाहर से ही उसका मूवमेंट दिखता है, वो अगर मूवमेंट आपने देखा तो ये कन्फर्मेशन है कि आपकी ट्यूब सही है। लेकिन जो भी ट्यूब डालें वो पहले किसी वैट्स में करीब अंडर में ट्रेनिंग लें और उसके बाद ही ट्यूब डालें, कोई भी बिना ट्रेनिंग के ये काम ना करें। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक हॉर्स है और पिछले 3 दिन से कोलिक की समस्या से ग्रसित था, बिल्कुल मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओरल लिक्विड पैराफिन देने का था, तो उसके लिए ये ट्यूब डाली जा रही है और इसके माध्यम से हमारे द्वारा करीब इसको 3 लीटर लिक्विड पैराफिन इंट्यूबेशन किया गया
और इस घोड़े का इंट्यूबेशन करने के बाद में सेकंड डे जो है लीड करी है और उसका रिजल्ट अच्छा आया है और ये घोड़ा सुधर गया है। तो ये बहुत अच्छा रहा इसके लिए। इससे पहले भी हमारे द्वारा कहीं घोड़ों का इलाज किया गया, लेकिन जब इंट्यूबेशन नहीं होता था हमारे पास, केवल मेडिसिनली अप्रोच होती थी, तो उसमें रिजल्ट बहुत कम आते थे। 50% से ऊपर मुश्किल से पहुंचते थे, अच्छे अच्छे घोड़े मर जाते थे। क्योंकि इसको ओरल मेडिसिन जो है वो इंट्यूबेशन के माध्यम से देने से क्या होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तुरंत रिलीफ होता है और अच्छे से सुधर जाते हैं। तो ये घोड़ा जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, बहुत महंगा घोड़ा है और बहुत अच्छा नस्ल का है। इसको इंट्यूबेशन करके पैराफिन दे दिया गया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो उस कोली की समस्या से वो ग्रसित था, वो बिल्कुल सही हो गई और पशुपालक अभी खुश है। तो धन्यवाद, आप इसका ध्यान रखें कि घोड़े को जो है मुंह से कोई दवाई पिलानी नहीं है। को अगर कोई पिलाने की नौबत आए या जरूरत पड़े तो आप इसको ट्यूब के माध्यम से किसी एक्सपर्ट वेटनरी डॉक्टर से करवाएं। धन्यवाद।